मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में। तू जरा कोशिश तो कर, शिक्षा कभी व्यर्थ नहीं होती, चाहे वह किसी भी तरह ग्रहण की गई हो। मैं सिद्धार्थ शर्मा आप सभी का इग्नू स्टडी सेंटर चैनल में स्वागत करता हूँ, जो YouTube पर इग्नू के स्टडी वीडियोस और नोट्स का सबसे अच्छा चैनल है। आपको 2000 से 3000 रुपए नोट्स के लिए खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं, आपके लिए इससे अच्छा स्टडी चैनल नहीं मिलेगा। इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस चैनल। और अगर आपको इसमें से कोई टॉपिक बाई चांस नहीं समझ आता तो कमेंट करके बता देना, नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक को एक्सप्लेन करूँगा। अब वीडियो शुरू करते हैं। अब इस चार्ट को समझ लेते हैं कि इस चार्ट में क्या क्या कैसे कैसे लिखा है और कैसे हम ASCII नंबर्स को समझ सकते हैं। ASCII कोड बाइनरी नंबर में 7 बिट और 8 बिट में होता है। इस चार्ट में 7 बिट ASCII कोड दर्शाया गया है। ASCII कोड की जोन वैल्यू ऊपर दी हुई है, B5, B6, B7 जो तीर के निशान हैं वो दर्शा रहे हैं इनके आगे की संख्या। ये 000 और 001, 010, 011 और 100, ये सब जो लाइन से ऊपर हैं ये ASCII कोड के जोन नंबर हैं जो 7 बिट के लिए हैं। और बाईं साइड में जो चार नंबर लिखे हैं B1, B2, B3, B4 ये कोड्स हैं, ये बाइनरी कोड्स हैं, वो भी बाइनरी कोड्स हैं, ये भी बाइनरी कोड्स हैं, वो जोन हैं और ये मेन कोड्स हैं इनके नंबर के। अभी इनके बारे में पूरा समझेंगे, एक एक नंबर अल्फ़ाबेट और सिंबल्स का कैसे हम ASCII कोड निकाल सकते हैं। ये बाईं साइड में कोड्स लिखे हैं, आप इनको देखिए, B1, B2, B3, B4, 0, 0, 0, 0, ये चार कोड हैं सबसे पहले वाली लाइन में, और उसके दूसरे नंबर पे है 0001 और तीसरे नंबर पे है 0010 और फिर चौथे पे 0011। ये हैं B1, B2, B3 और B4, B5, B6, B7 ऊपर वाली लाइन में लिखे हुए हैं। कोड्स और जोन के बाद में ये रो की संख्या और कॉलम की संख्या लिखी हुई है, जो 0 से 7 तक कॉलम हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7, और रो 0 1 2 3 4 5 6 7 से लेकर 15 तक हैं। पंक्तियाँ कितनी हैं, 15। और इन लाइनों के बाद में फिर वैल्यूज़ हैं, जैसे नल, DLE, SOH, ये सारी वैल्यू हैं। SP के जस्ट बगल में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर इन नंबर्स का ASCII कोड 7 बिट में लिखना है तो हम इस चार्ट के जरिए हम लिख सकते हैं। 0 नंबर वाली रो में है और कॉलम नंबर 3 है, 0 नंबर वाली रो और कॉलम नंबर 3 पर 0 है। ऊपर जो इसका जोन लिखा हुआ है B7, B6, B5, ये 011, ये नंबर सबसे पहले 011 लिखेंगे, उसके बाद में फिर जो 0 वाली रो है इसके लेफ्ट साइड में जो नंबर लिखेंगे ये 0000, इन नंबर्स को लिखेंगे और यही हमारा ASCII कोड हो जाएगा। 0 का ASCII कोड हुआ 011000, ऐसे ही 0 के बाद 1 नंबर का, 1 नंबर किस रो में है, पहली वाली रो में, कॉलम नंबर 3 है, जिस कॉलम में 1 है उसमें सबसे ऊपर जो जोन लिखा है इसका 011, इसको पहले लिखेंगे, उसके बाद में जिस रो में, उसके बाद में जिस रो में 1 है यानी 1 नंबर वाली रो जिसका कोड है 0001, जोन लिखने के बाद में फिर इसको लिखेंगे, इसका ASCII कोड क्या हो जाएगा, 011 और 0001। ऐसे ही अगर हमको अल्फ़ाबेट्स का देखना है, जैसे ए का, बी का, सी का, डी का, जो इसके बाद में 1 2 3 जो लिखा है इसके राइट साइड में जो अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं, अगर हमको इनका देखना है तो इनका भी ऐसे ही निकाल सकते हैं। जैसे हम सबसे पहले ए का अगर ASCII कोड निकालना चाहें, ए जिस कॉलम में है उसके सबसे ऊपर जो जोन है 100, इस जोन को सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद में जिस रो में है यानी जिस पंक्ति में है, ये 1 नंबर वाली पंक्ति में है, इसका कोड है 0001, फिर इसको लिखेंगे तो 100 और 0001 ये लिखेंगे, यही हमारा
एक का ASCII कोड हो गया। ऐसे ही सारे नंबर और सिंबल्स का निकाल सकते हैं। ये ASCII कोड इस काम में आते हैं जब हम कोई वर्ड टाइप करते हैं, जैसे हमने टाइप किया CHART, तो हमको C लिखना पड़ेगा, H लिखना पड़ेगा, A लिखना पड़ेगा और R और T, इतने वर्ड हमको लिखने पड़ेंगे। जब हम C वाली बटन प्रेस करेंगे तो C का जो ASCII कोड होता है वो कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन के रूप में जाएगा और फिर कंप्यूटर उसको समझेगा कि ये ऐसा है। वो सी के रूप में नहीं जाता है, वो ASCII कोड के रूप में जाता है जिसे कंप्यूटर समझता है, हम लोग नहीं। हर एक कंप्यूटर को समझने के लिए ASCII कोड बनाया गया है जिससे वही इंस्ट्रक्शन अगर दूसरे कंप्यूटर में पहुंच जाए तो वो कंप्यूटर पहचान ले कि ये सी लिखा हुआ है और उस कोड को वो पहचान करके सी बना दे। ऐसे होता है ASCII कोड का काम, इसी तरह यूनिकोड और सबका काम।